बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ऐमन हमीद। मैंने प्रीवियस वीडियो में गाइड किया था कि किस तरह से हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में और किस तरह से हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना। तो आज की वीडियो हमारी उसके सेकंड पार्ट पे है कि आगे क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इस बात पे परेशान हो जाते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ। तो परेशान होने की बात नहीं है, जब आप एडमिशन भेज देते हैं, अपना डॉक्यूमेंट सारे सेंड कर देते हैं, तो उसके 2 मंथ के बाद आपके पास कंफर्मेशन का मैसेज आ जाता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, और उसमें आपको बताया जाता है कि आपका सक्सेसफुली एडमिशन हो गया और आप बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। उसके कुछ दिन के बाद आपके पास बुक्स आ जाती हैं हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस पे जो आपने दिया था, और उसके साथ आपके असाइनमेंट की डेट्स आ जाती हैं कि कब तक आपने असाइनमेंट सबमिट करानी है, आपके ट्यूटर का नेम, आपके ट्यूटर का एड्रेस, जहाँ पे आपने अपने असाइनमेंट को सबमिट कराना है, वो सब कुछ आपको साथ ही बता देते हैं। जब आपकी असाइनमेंट की डेट कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको मैसेज मिल जाता है अपनी वर्कशॉप का, वर्कशॉप की डेट्स बता देते हैं और आपको वर्कशॉप का सेंटर बता देते हैं। उसके बाद आपके पास पेपर्स की डेट शीट आ जाती है, पेपर्स के सेंटर का बता देते हैं। कुछ लोग इस बात पे परेशान होते हैं कि हमारा मेन तो कैंपस कुछ और है, तो हमारे पेपर पता नहीं कहाँ होंगे। तो ये मसले वाली बात नहीं है, जहाँ जो आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट दी होगी और जो तहसील होगी आपकी, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सेंटर होगा एग्ज़ामिनेशन के लिए। एंड लास्ट थिंग, कि आप अपने फेलोज़ के साथ इन कांटेक्ट रहें। कभी ऐसा भी होता है कि आपको टाइम पर मैसेज नहीं मिल सकता, ऐसा ना हो कि आप अपनी वर्कशॉप से रह जाएं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन कांटेक्ट रहें ताकि वो आपको बता सकें कि अब क्या चल रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रेगुलर बीएड और प्राइवेट बीएड में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम रेगुलर बीएड को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, जैसे आप बाकी तमाम डिग्रीज में करते हैं, और असाइनमेंट्स बनानी पड़ती हैं, सेशनल मार्क्स होते हैं, आपके पेपर आपके फिज़िकली होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, इन्हीं सब को कंबाइन करके ना आपके डिग्री के मार्क्स होते हैं। और ना आप रेगुलर डिग्री एक टाइम में एक ही कर सकते हैं, और हर यूनिवर्सिटी में बीएड की डिफरेंट फीसेज होती हैं और मोस्टली 13,000 से ही स्टार्ट हो रही होती हैं। एंड अब हम बात करते हैं प्राइवेट या ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करने का क्या फ़ायदा होता है। और तो प्राइवेट अगर आप बीएड करते हैं तो आपको कोई क्लासेस नहीं अटेंड करनी पड़ती हैं, और उसके बाद आपका वो डिपेंड करता है असाइनमेंट, वर्कशॉप और फिज़िकल पेपर्स पर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। और आप एक रेगुलर डिग्री और एक प्राइवेट डिग्री एक साथ कर सकते हैं, और अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो आप उसके साथ भी एक प्राइवेट डिग्री कर सकते हैं, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस तो होती है 19,875 रुपीज़, और वो लेस होती है हर सेमेस्टर में। और असाइनमेंट्स जो होती हैं ना आपकी, वो हैंड रिटन भी हो सकती हैं और पोर्टल पर आप उन्हें अपलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपने प्राइवेट बीएड करने हैं तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बेस्ट है। और अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंडेंस ऑफ वर्कशॉप। तो वर्कशॉप अटेंड करना तो मस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे ग्रेड्स आए बीएड में, तो आपको वर्कशॉप तो कंप्लीट अटेंड करनी पड़ेगी। वर्कशॉप कोई पूरा टाइम तो नहीं होती, 1 मंथ तक ही होती है जस्ट, तो वो आपको लास्ट में अटेंड करनी होती है। और अगर आप वर्कशॉप अटेंड नहीं करेंगे तो फिर आपकी रिपीट भी आ सकती है उस सब्जेक्ट में, फिर रिपीट के लिए आपको दोबारा से एडमिशन सेंड करना होगा अपने नेक्स्ट सेमेस्टर वाले एडमिशन के साथ। और उसके बाद आपने अपने असाइनमेंट्स को किस तरह से सबमिट कराना है। कुछ लोग ये ओपन से बीएड को प्रेफर इसलिए नहीं कर रहे होते कि हाय हमें हैंड रिटन असाइनमेंट्स लिखनी पड़ेंगी और पता नहीं कैसे सेंड होगा, तो अभी तो ये मसला है ही नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, हैंड रिटन भी सबमिट करा सकते हैं और आप पोर्टल पे ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। जब आपकी बुक्स आती हैं ना, तो उसके साथ ही आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भी मिल जाता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पोर्टल का, तो आप वहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। और असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 2.5 मंथ्स होते हैं,
एक सेमेस्टर के में बीएड के 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, और हर सब्जेक्ट की 2 असाइनमेंट्स होती हैं, और एक असाइनमेंट को एट लीस्ट आपने 6 to 9 शीट्स पे लिखना होता है। तो इतना टाइम होता है आपके पास कि अगर आप उनको कम भी लिखें, डेली आप 2 to 3 पेजेस भी लिखें, तब भी आपकी इजीली असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है। इतना वो टाइम देते हैं आपको कवर करने का कि आप इजीली अपने असाइनमेंट कंप्लीट करके उनको सेंड करते हैं, लेकिन असाइनमेंट टाइम पे ही उनको सबमिट करानी होती है अपने ट्यूटर पे। जितनी भी आपके जो भी उन्होंने आपको डेट दी थी उससे पहले ही आप उसको सबमिट करा दें। और फिर बात आती है कि ए ग्रेड कैसे लेना है, अच्छे ग्रेड के लिए आपको क्या करना होगा। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है हर सब्जेक्ट का, तो उसमें से जिसके 70 मार्क्स आ जाते हैं तो उसका ए ग्रेड होता है। ए ग्रेड के लिए सबसे पहले तो आपकी असाइनमेंट टाइम पे सबमिट होने चाहिए। सेकंड थिंग कि आपकी वर्कशॉप की अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए। वर्कशॉप का जो वो आपको सेंटर बता देते हैं, आप वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पे उनकी क्लास अटेंड करनी होती है 2 आवर्स की, और उसके बाद आपकी अटेंडेंस लगती है। बस इतना ही होता है वर्कशॉप का। तो उसके बाद पेपर्स होते हैं, हर पेपर में आपके 8 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करना होता है। टोटल आपके पास 30 शीट्स होती हैं आंसर लिखने के लिए। तो अगर आप 25 शीट्स को कवर कर लेते हैं, आप 25 शीट्स पे अपने आंसर लिख लेते हैं, मैक्सिमम आप मार्कर का यूज़ करते हैं, हेडिंग्स यूज़ करते हैं, और आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो आपका फिर ईजिली 70 मार्क्स आ जाएंगे, आपका उस सब्जेक्ट में ए ग्रेड आ जाएगा। ए ग्रेड लेने के लिए ये तीनों चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ बीएड। बीएड करने का हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? एक तो बीएड कंपलसरी है एजुकेटर में जॉब करने के लिए पाकिस्तान में, तो बीएड तो आपको लाजमी करना है अगर आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है तो। और बीएड करने के बाद आप 1 ईयर का एमएड भी कर सकते हैं। बीएड इज़ बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड एमएड इज़ मास्टर ऑफ एजुकेशन। बीएड और एमएड करने के बाद आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हायर रैंक की जॉब्स भी हो सकती हैं, आपकी कॉलेज में भी जॉब हो सकती है। और अगर आपने 16 ईयर ऑफ अपने एजुकेशन कंप्लीट किया हुआ है बीएस या फिर एमएससी एमए, तो उसके बाद आप बीएड और एमएड करके यूनिवर्सिटीज़ में भी विजिटिंग फैकल्टी मेंबर के तौर पे जॉब भी कर सकते हैं। आप एमफिल एजुकेशन भी आगे कर सकते हैं, आप इस फील्ड में भी आगे जा सकते हैं बीएड करके, एमएड करके आगे एमफिल एजुकेशन भी कर सकते हैं। और लास्ट थिंग के आपकी जो एमएड है वो डबल मास्टर काउंट होती है। अभी आपने अगर एक सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है या बीएस किया हुआ है, तो उसके बाद आप बीएड और एमएड जब कर लेते हैं तो आपकी डबल मास्टर्स ही काउंट होती है। Thank you for watching. Please like the video, subscribe for more videos, share this video with your friends. Thank you. Allah Hafiz.